हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमनदीप आपके लिए लेके आऊँ राजस्थान का इतिहास। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, कुंभा के विषय में पढ़ा था, हमने देखा था किस प्रकार कुंभा ने अपने कूटनीति की सहायता से अपने जो साम्राज्य को सुदृढ़ किया था, और उसने किस प्रकार कितने किले बनवाए थे। जैसे ही कवि श्यामलदास ने कहा है कि कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गा का निर्माण करवाया था, और कुंभा के द्वारा सांस्कृतिक योगदान भी बहुत दिया गया था राजस्थान में। उनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कुंभ स्वामी का मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, मीरा मंदिर है, मैंने आपको बताया था, और बहुत सारे दुर्गों का भी निर्माण करवाया गया था। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको कटारगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो पगड़ी सिर से नीचे उतर जाती है। इस तरीके की बहुत सारी हमने चीज़ें इनमें देखा, क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम देखेंगे कि कुंभा की जब का जो अंतिम समय होता है, उस समय वो उन्माद में आ जाते हैं। उन्माद में आने के बाद में वो अपना अधिक समय जो कुंभलगढ़ में एक तालाब है, मामा देव का तालाब, वहाँ पर अपना अधिक समय बिताते हैं। कुंभा के पुत्र उदा के द्वारा कुंभा की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद में कुंभा अपने आप को कुंभा की मृत्यु हो जाती है, और उदा द्वारा अपने आप को राणा घोषित कर दिया जाता है। जब इसकी सूचना रायमल को, कुंभा के दूसरे पुत्र को लगती है, तो वो इडर में होता है तो वहाँ से चल देता है। जैसा कि हमने देखा कि कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा के द्वारा कर दी जाती है, और फिर उसके बाद में जब इसका पता रायमल को लगता है तो वो इडर से आ जाता है। इडर में एक युद्ध होता है, दांडीपुर का युद्ध होता है। उदा के संयोगियों और रायमल के बीच में ये युद्ध होता है। इसके बाद में जो उदा है जो अपने पुत्रों के साथ में, जो मांडू का सुल्तान है ग्यासुद्दीन के खिलजी के साथ में चला जाता है, कि इस आशा से जाता है कि ग्यासुद्दीन उसको सहायता देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अकस्मात बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार उदा का अंत हो जाता है, और रायमल जो होता है मेवाड़ का नया शासक घोषित कर दिया जाता है रायमल के द्वारा। आज हम पढ़ेंगे रायमल। आज का हमारा जो शासक है वो है रायमल। रायमल महाराणा कुंभा के बाद में शासक बनते हैं। ठीक है, इनके द्वारा अद्भुत जी का मंदिर बनवाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। इनके द्वारा राम, शंकर, सम्या, संकट तीन तालाबों का निर्माण करवाया जाता है। इन्हीं के द्वारा मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमारा अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहन किनके द्वारा दिया गया, तो हमारा आंसर होगा रायमल के द्वारा। तो मेवाड़ में खेती रायमल के द्वारा प्रोत्साहित की गई। इन्होंने जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें रामा शंकर समया संकट तीन तालाबों का निर्माण करवाया। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राम, शंकर, समया जो तीन तालाब हैं, इनका निर्माण किन्होंने करवाया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा रायमल। ठीक है, इनकी पत्नी श्रृंगार देवी द्वारा घोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया गया। किनके द्वारा करवाया गया? श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया। देखिए, हम नॉर्मल क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर तो हम दे देते हैं, लेकिन हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो हमें नहीं आते। जैसे अगर आपसे पूछ ले कोई कि मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहित किसने किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा रायमल ने किया।
ठीक है, श्रृंगार देवी ने कौन से बावड़ी का निर्माण करवाया, कहाँ पे करवाया, तो श्रृंगार देवी ने बावड़ी का निर्माण करवाया था और कहाँ पर करवाया था, घोसुंडी में कराया था, ये हमें ध्यान रखना है इनके बाद में। ठीक है, रायमल की मृत्यु हो जाती है 1509 में, 1509 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद इनके 13 तो पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। इनकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि इन्होंने अपने जीवन काल में किसी को भी युवराज या राजा की अगला कौन गद्दी पर बैठेगा नियुक्त नहीं किया था। इन 13 पुत्रों में से इनके सबसे बड़े पुत्र पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह, जिसे हम आगे चल के सांगा के नाम से पढ़ते हैं, संग्राम सिंह और राज सिंह, इन चारों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। मेवाड़ की गद्दी को लेकर इन चारों के मध्य संघर्ष होता है। इनके अलावा रायमल के एक चाचा हैं, रायमल के चाचा सारंगदेव, सारंगदेव भी मेवाड़ की गद्दी को प्राप्त करना चाहते हैं और स्वयं को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित भी करते हैं। तो इनके बाद में, रायमल के बाद में जो दावेदार होता है वो होता है पहले पृथ्वी सिंह होता है, लेकिन पृथ्वी सिंह धनुर्विद्या में बहुत अच्छा होता है, निपुण होता है, और संग्राम सिंह भी एक तरह से महत्वाकांक्षी और साहसी होता है। ठीक है, अब इन चारों में संघर्ष होता है मेवाड़ की गद्दी के लिए। अगर हम माने तो पहला जो दावेदार है वो है पृथ्वीराज, किंतु और भी भाई हैं, ये भी अपनी दावेदारी करते हैं कि हमें मेवाड़ की गद्दी मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, और साथ में सारंगदेव भी है। ठीक है, अब देखिए उस समय की घटना होती है, ये 3 जन, देखिए जो राज सिंह है उसकी इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है। ठीक है, इसको सामंत जो है मेवाड़ में वो पसंद भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो संघर्ष है ना महत्वपूर्ण, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह के मध्य है, और सारंगदेव भी हैं इसके, इनके साथ में सारंगदेव के भी हैं। अब ये क्या करते हैं, एक समय की बात है, ये अपनी अपनी जन्मपत्रियों को लेके, तीनों पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, अपनी अपनी जन्मपत्रियों को लेके ये ज्योतिषी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि किसके राजयोग है, हम में से तीनों में से किसके राजयोग है। अब ज्योतिषी जो है, ज्योतिषी इन तीनों की पत्रियों को देखकर, जन्मपत्रियों को देखकर ये बताता है कि जो संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह का राजयोग बलिष्ठ है। इस कारण जैसे ही वो ये बात कहता है ज्योतिषी, पृथ्वीराज क्रोधित हो जाता है इस बात से। पृथ्वीराज अपनी तलवार निकाल लेता है और संग्राम सिंह को मारने की कोशिश करता है। संग्राम सिंह की आंख को तलवार छू जाती है और उसकी आंख चली जाती है और वो भागता हुआ राठौड़ बीदा के पास पनाह लेता है। राठौड़ बीदा जो है वो जयमल से युद्ध करते हुए मारा जाता है। ये सब एक दूसरे के पीछे भागते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो संग्राम सिंह है वो अजमेर में करमचंद पवार, करमचंद पवार हैं, उनके यहाँ शरण लेते हैं और अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी के बाद में ऐसी घटना होती है। अब देखिए संग्राम सिंह जो है अपनी शक्ति का संगठन कहाँ पे कर रहे हैं, अजमेर में, किसके सहायता से, करमचंद पवार के की सहायता से। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, एक भाग्यवश जैसा कि ज्योतिषी ने बताया, देखिए एक बात यहाँ पर एक चीज और होती है, जब ज्योतिषी बोलता है कि जो संग्राम सिंह का जो राजयोग है वो बलिष्ठ है, तो उस समय सारंगदेव भी बीच में आता है इन भाइयों के बीच में और
इनका मनमुटाव खत्म करता है। और वो बोलता है, सारंगदेव कहता है, सारंगदेव मैंने आपको बताया रायमल का चाचा, सारंगदेव कहता है ज्योतिषी की बात पे विश्वास मत कीजिए, हम चलते हैं भीमल, भीमल चारण, भीमल चारणी है, भीमल गांव की एक चारणी है, भीमल गांव है, ठीक है, भीमल गांव की चारणी है, वो एक सटीक एक तरह से भविष्यवाणी करती है, हम चलते हैं उसके पास। ये तीनों पृथ्वीराज और फिर तीनों भीमल चारणी, भीमल गांव की चारणी के पास भी जाते हैं, और वो भी भीमल गांव की जो चारणी है वो भी इसी बात का समर्थन करती है कि जो बलिष्ठ जो योग है, राजयोग है, वो संग्राम सिंह के ही पास है। इससे अब क्या होता है कि संग्राम सिंह अजमेर की तरफ, मैंने आपको बताया, करमचंद पवार के पास भागते हैं और अपनी आंख भी गवा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से अपनी शक्ति का संगठन, शक्ति संगठन करते हैं, एकांत में दूर रहकर, मेवाड़ से दूर रहकर अजमेर में अपनी शक्ति का क्या करते हैं, संगठन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ घटना ऐसी होती है कि जो उस समय पृथ्वीराज है, जो रायमल के ज्येष्ठ पुत्र हैं पृथ्वीराज, उनकी गलती से विष की गोलियां खाने से मृत्यु हो जाती है, और जो दूसरे हैं जयमल, सोलंकियों से लड़ते हुए मारा जाता है, और जो सारंगदेव है उसकी भी हत्या पहले ही पृथ्वीराज द्वारा कर दी जाती है इस प्रकार। और राज सिंह है एक, और राज सिंह को मेवाड़ के सामंत जो है पसंद नहीं करते, ये एक तरह से योग्य शासक नहीं है, इस कारण माना जाता है कि जब रायमल मृत्युशैया पर थे तो अजमेर से संग्राम सिंह को बुलवाया जाता है और उसका राज्याभिषेक किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार संग्राम सिंह जो हैं, जो नियति ऐसी होती है, वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो 1509 में ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं, 1509 में इनका क्या होता है, राज्याभिषेक किया जाता है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं महाराणा, इसको सांगा भी बोलते हैं, महाराणा सांगा, ठीक है। अब महाराणा सांगा जो है, राजगद्दी इनको मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए इनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां हैं, हमने देखा कि मोकल के समय भी गुजरात से आक्रमण हो रहे थे, मालवा से भी आक्रमण हो रहे थे, कुंभा के समय में हमने देखा था जो महमूद खिलजी है वो आक्रमण कर रहा था, अब भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। अब क्या किया जाता है, सांगा जो है चारों तरफ से, अब दिल्ली में देखो एक क्वेश्चन आता है कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं तो दिल्ली में कौन था सुल्तान, उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय कौन है दिल्ली में, दिल्ली में सिकंदर लोदी, दिल्ली में सिकंदर लोदी है। इस बात को मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, महाराणा सांगा के समय में दिल्ली की गद्दी पर दो बैठते हैं, दो सुल्तान बैठते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक होता है तब तो दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी होता है, और अगर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो जब खतौली का जो युद्ध होता है उस समय इब्राहिम लोदी, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, इब्राहिम लोदी होता है, तो इसके समय में दिल्ली के दो शासक है, इसलिए हम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, पहला है सिकंदर लोदी, दूसरा है इब्राहिम लोदी, ठीक है, इसका पुत्र। महाराणा सांगा द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, अपनी आसपास की जितनी भी जो
पड़ोसी देश उस समय बोला जाएगा क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं, देश है, क्योंकि एक संगठित देश तो नहीं था जो आज हम देखते हैं भारत। तो पड़ोसी जितने भी राज्य थे उनको क्या किया जाता है, मित्रतापूर्वक उनसे व्यवहार किया जाता है, ठीक है, और जितने भी आसपास के राजपूत राज्य थे उनका मतलब उनसे मित्रवत व्यवहार किया जाता है, ठीक है। हमने कुंभा के समय भी देख लिया था कि किस प्रकार उन्होंने मारवाड़ से आवल बावल की संधि की थी, ठीक है, और उसके बाद में उनका एक मतलब 15 वर्षों तक जो मनोटाव खत्म हो गया था, ठीक है। अब जो राणा सांगा है एक तरह से बहुत ही महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है और साहसी है, ये इनकी विशेषता है, ठीक है। अब महाराणा सांगा जो है, जो सबसे पहले जो इनका संघर्ष होता है वो गुजरात के साथ होता है, गुजरात संघर्ष जो हम पढ़ेंगे। देखिए जो गुजरात जो संघर्ष होता है महाराणा सांगा का, वो किसको लेकर होता है, इडर, इडर एक जगह है, उसके प्रश्न को लेके होता है, उसके उत्तराधिकार के प्रश्न को लेके होता है, के लिए होता है। देखिए इडर में राजा भान के दो पुत्र थे, सूर्यमल और भीम सिंह, ठीक है। सूर्यमल की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र रायमल शासक बनता है, ठीक है। रायमल जो होता है अल्पवयस्क होता है, इसलिए उसका चाचा जो होता है अपने पुत्र भारमल को, पहले तो स्टार्टिंग में जो शुरुआत में तो रायमल का साथ देता है भीम सिंह, लेकिन कुछ ही समय के बाद में रायमल को हटा के भारमल को जो शासक घोषित कर देता है भीम सिंह। रायमल की जो का जो विवाह है या सगाई है वो सांगा की पुत्री से हो जाती है, ठीक है, और ये रायमल सांगा के पास जाते हैं, रायमल। अब क्या होता है कि सांगा के द्वारा अब जो इडर पर आक्रमण किया जाता है, और रायमल को पुनः इडर दिलवाया जाता है, अब यहां पर क्या होता है, जो गुजरात का जो शासक है, ठीक है, वो इस बात को पसंद नहीं करता कि रायमल यहाँ का शासक बने। इसी कारण क्या होता है, गुजरात का शासक निजामुद्दीन की सहायता से, मालवा के निजामुद्दीन की सहायता से यहाँ पर इडर पर आक्रमण करता है और पुनः भारमल को यहाँ बिठा देता है, ठीक है। किंतु राणा की सेना पुनः आक्रमण करती है और रायमल को वहाँ बिठा देती है। अंततः जीत किसकी होती है, रायमल की होती है, मतलब राणा सांगा की जीत होती है। तो इस प्रकार जो इडर का प्रश्न है, मतलब इडर का जो गुजरात का संघर्ष होता है, गुजरात और मेवाड़ का जो संघर्ष होता है उसमें विजय किसकी होती है, राणा सांगा की होती है। राणा सांगा जो है बुरी तरह गुजरात की सेना को पराजित करते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, गुजरात का जो शासक है वो बहुत ही लज्जित महसूस करता है, ठीक है। ये एक बार नहीं, दो तीन बार आक्रमण करते हैं और इन आक्रमणों को मुंह की खानी पड़ती है राणा सांगा की वजह से। राणा सांगा महत्वाकांक्षी और साहसी होता है और इस गुजरात के जो संघर्ष को सफलतापूर्वक उसको निदान करता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हमारा आता है देखिए कि गुजरात के प्रश्न को, इसको सॉल्व करना जरूरी था, समस्या का समाधान करना इसके लिए जरूरी था, क्योंकि अगर इस समस्या का समाधान ना करें तो गुजरात से किसी भी समय में अटैक हो सकते थे, ठीक है। इसलिए इस समस्या का समाधान क्यों जरूरी था कि रायमल जो उनका मित्र था और उनका एक तरह से मतलब दामाद भी था, उसको बिठाना आवश्यक था कि गुजरात अगर एकदम से अटैक करे तो रायमल उसको रोक सके, जो गुजरात और मेवाड़ के जो सेंटर में था इडर, इसलिए इसका निवारण करना सांगा के लिए आवश्यक था, क्योंकि अपने चारों ओर ये शत्रुओं से सुरक्षित रहना चाहते थे महाराणा सांगा। इसके बाद में हम देखते हैं मालवा,
मालवा संघर्ष, ठीक है। पहला हमने पढ़ लिया गुजरात के साथ किस प्रकार निपटा गया, ठीक है। अब दूसरा आता है मालवा। मालवा में क्या होता है, महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड सुल्तान है, इसका एक दरबारी है मेदिनी राय। मेदिनी राय, मेदिनी राय एक प्रभावी राजपूत है, कहाँ पर, मालवा में, जो महमूद खिलजी का विश्वस्त भी है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, यहाँ के जो अमीर है ना मालवा के, मालवा के जो अमीर हैं, जो दरबारी लोग हैं, सामंत हैं वो लोग, ठीक है, वो मेदिनी राय को पसंद नहीं करते थे। वो ये पसंद नहीं करते थे कि महमूद खिलजी जो है मेदिनी राय का पक्ष ले, और हमेशा जो मेदिनी राय था मेदिनी राय के पक्ष में रहते हैं महमूद खिलजी, ठीक है, जिसको अमीर पसंद नहीं करते थे। अब क्या होता है, अमीरों के कहने से महमूद खिलजी मेदिनी राय को मालवा से या मांडू से निकाल देता है। मेदिनी राय राणा सांगा के पास सहायता के लिए जाता है। किसके पास जाता है, राणा सांगा के पास सहायता के लिए जाता है। राणा सांगा जो होते हैं वो मेदिनी राय को गागरोन और चंदेरी दो प्रदेश देकर वहां का सामंत बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सामंत बनाया जाता है। तो गागरोन और चंदेरी किसको मेदिनी राय को दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं, राणा सांगा के द्वारा दिए जाते हैं। ध्यान रखना कि पूछा जा सकता है आपसे कि मेदिनी राय को गागरोन और चंदेरी किसने दिए थे, राणा सांगा ने दिए थे, जब वो मांडू से राणा सांगा के पास सहायता के लिए आता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इस बात का पता चलता है महमूद खिलजी को कि राणा सांगा से मदद के लिए मेदिनी राय जो है वो पहुंचा है। तो क्या होता है, महमूद खिलजी जो है वो गागरोन पर आक्रमण कर देता है। गागरोन पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। अब गागरोन पर जब महमूद खिलजी का आक्रमण होता है तो राणा सांगा भी मेदिनी राय की सहायता के लिए आते हैं, और अंततः महमूद खिलजी और सांगा के मध्य युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, सांगा की विजय होती है, और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि महमूद खिलजी के अच्छे व्यवहार के कारण सांगा द्वारा महमूद खिलजी को छोड़ दिया जाता है। इस एवज में महमूद खिलजी जो है जमानत के रूप में चित्तौड़ में अपने पुत्र को छोड़ते हैं और महाराणा सांगा को रत्न जड़ित मुकुट देते हैं और सोने की एक कमर पेटी भी देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना किस युद्ध में, इसको बोला जाता है गागरोन का युद्ध। गागरोन में हुआ तो इसको बोलते हैं गागरोन का युद्ध, ठीक है। गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, महमूद खिलजी और सांगा के मध्य में हुआ, और इसके बाद में महमूद खिलजी को क्या कर लेते हैं, बंदी बना लिया जाता है। किंतु महमूद खिलजी के अच्छे व्यवहार के कारण इसको रिहा कर दिया जाता है, और महमूद खिलजी द्वारा राणा सांगा को रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमर पेटी दी जाती है, ठीक है। कौन सा युद्ध में, गागरोन के युद्ध में दी जाता है, ठीक है। ये युद्ध होता है 1519 में होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये हो गया मालवा। मालवा के संघर्ष को भी जो है महाराणा सांगा के द्वारा सॉल्व कर दिया गया, इसका भी निदान कर दिया गया है महाराणा सांगा के द्वारा, ठीक। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में सिकंदर लोदी है। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब सांगा
का राज्याभिषेक होता है तो दिल्ली में कौन सुलतान था? सिकंदर लोदी। मैंने आपको पहले भी बता दिया इसके विषय में। सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है जब, तो महाराणा सांगा द्वारा मेवाड़ के आसपास जो दिल्ली सल्तनत के या दिल्ली जो राज्य के अधीन जो राज्य आते हैं उन पर अधिकार कर लिया जाता है। दिल्ली सल्तनत के जो आसपास मतलब मेवाड़ से जो टच होते हैं, मेवाड़ से लगते जो राज्य हैं उन पर क्या कर लिया जाता है? महाराणा सांगा द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। इस कारण क्या होता है कि जो जब सिकंदर लोदी की तो मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी है शासक बनता है। नेक्स्ट, तो अब इब्राहिम लोदी क्या करता है? वो महाराणा सांगा पर अटैक करता है। इब्राहिम लोदी द्वारा महाराणा सांगा पर क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है। बारी नाम का एक युद्ध होता है, ठीक है, बारी का युद्ध होता है। इस पे देखिए आगे क्या होता है। दिल्ली में कौन है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में महाराणा सांगा द्वारा मेवाड़ के जो दिल्ली की सल्तनत के अंतर्गत आते राज्य हैं उन पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली में कौन बैठता है? इब्राहिम लोदी शासक बनता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए जब महाराणा सांगा द्वारा जो मेवाड़ के आसपास जितने भी दिल्ली के राज्यों को मिला लिया जाता है, मेवाड़ राज्य मिला लिया जाता है, तो 1517 में खतौली नामक जगह पर खतौली का युद्ध, इसे बोला जाता है खतौली का युद्ध। ठीक है, इब्राहिम लोदी और सांगा, देखिए इब्राहिम लोदी का जो शहजादा है वो इस युद्ध में भाग लेता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी के जो शहजादे को सांगा के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, इस युद्ध में माना जाता है कि सांगा का एक दायां हाथ कट जाता है और उसके पैर में तीर लग जाता है, वो लंगड़ा हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कौन से युद्ध में बायां हाथ कट गया था और लंगड़ा किस युद्ध में हो गए थे, तो खतौली के युद्ध में भी अंततः किसकी जीत होती है? सांगा की जीत होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरे ही साल में 1518 में बारी का युद्ध होता है। इसमें मियां माखन और मियां हुसैन दो मुगल जो अधिकारी होते हैं इब्राहिम लोदी की तरफ से सांगा से लड़ते हैं। इस युद्ध में भी सांगा की जीत होती है। इस प्रकार अब इब्राहिम लोदी को जब हरा दिया है तो मतलब दिल्ली का स्वप्न देखने लग गए महाराणा सांगा। महाराणा सांगा चाहते हैं कि अब दिल्ली पर किसी मुस्लिम या किसी अफगान का शासक न होकर, अफगान सुल्तान का शासक न होकर एक हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो अब इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद में महाराणा सांगा दिल्ली पर अधिकार करने का स्वप्न देखने लगते हैं, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, क्योंकि इनको हर क्षेत्र में, आप चाहे गुजरात देखो, गुजरात की सेना को इन्होंने हराया है, मालवा में इन्होंने जीत हासिल की है, बारी का युद्ध देख लीजिए, खतौली का युद्ध देख लीजिए, हर समय हर युद्ध में इनकी जीत हो रही है। तो ये अब किसका स्वप्न देखने लगे हैं? दिल्ली पर, कि अब मैं दिल्ली पर अधिकार करना चाहता और दिल्ली पर क्या करना चाहते हूँ? दिल्ली पर अब एक छत्र हिंदू शासन स्थापित करना इनका, इनको हिंदू पंथ भी कहा गया, हिंदू पंथ नामक की जो उपाधि इनको दी गई। ठीक है, हिंदू पंथ की उपाधि इनको दी गई इतिहासकारों के द्वारा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिंदू पंथ की उपाधि किनको दी गई थी? तो हिंदू पंथ की उपाधि दी गई थी महाराणा सांगा को दी गई थी। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक घटना और देखिए कि बाबर जो है, बाबर अपने नाम सुना होगा बाबर का, ठीक है, जो मुगल राजवंश की स्थापना करते हैं भारत में, इस समय बाबर भी है जो दिल्ली पर अधिकार
करने के लिए, मतलब इस जो पश्चिम जो इलाका है वहाँ पर दिल्ली पर भी अधिकार करना चाहता है, और महाराणा सांगा का भी स्वप्न दिल्ली पर अधिकार करने का है। अब यहाँ पर क्या होता है, बाबर के द्वारा दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि बाबर ने सांगा के लिए एक निमंत्रण भेजा था कि आप मेरी सहायता करो। बाबर ने बोला कि सांगा को कि आप मेरी सहायता करो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आप मेरी सहायता करो। किंतु सामंतों के कहने पर सांगा के द्वारा जो ये निमंत्रण था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए सांगा जो बाबर है सांगा से सहायता मांगता है, तो उसको सामंतों के कहने पर ठुकरा देता है, क्योंकि सामंत कहते हैं कि किसी विदेशी शक्ति को हमें सहायता नहीं पहुंचानी चाहिए। सामंतों के कहने के कारण वो जो बाबर का जो उसको निमंत्रण मिलता है सांगा को, वो उसको ठुकरा देता है और अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है। तो बयाना नाम का जो स्थान है, बयाना आगरा के पास में, बयाना का युद्ध होता है। देखिए अब यहाँ पर बाबर और यहाँ पर दो दावेदार हैं दिल्ली की गद्दी के लिए। कौन, कितने दावेदार हैं? दो दावेदार हैं। अब युद्ध होगा बाबर के मध्य और सांगा के मध्य। बयाना का एक युद्ध होता है जिसमें मेहंदी ख्वाजा है, ये बाबर के बहनोई थे। ठीक है, बयाना के युद्ध में बाबर के बहनोई को और बाबर की जितनी भी सेना है उसको पराजित कर दिया जाता है सांगा के द्वारा। तो इस युद्ध में भी किसकी जीत होती है? इस युद्ध में भी सांगा की जीत होती है। बयाना का युद्ध ऐसा कौन सा युद्ध है, पूछा जाता है, कि जिसमें सांगा की एक अंतिम विजय, इस युद्ध के बाद में ये एक अंतिम विजय है। इसके बाद में एक युद्ध होगा खानवा का युद्ध, उसमें राणा सांगा की हार होती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि अंतिम विजय कौन सी थी सांगा की, तो कौन सा युद्ध आ जाएगा? बयाना का। ध्यान रखिएगा, कौन सा युद्ध आएगा? बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध हमें ध्यान रखना है, अंतिम विजय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और किस किस के मध्य हुआ था? मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में मुगल सेना लड़ी थी राणा सांगा की सेना से, राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बारी का युद्ध, देखो बारी का युद्ध जो है ये पेपर में नहीं पूछा जाता, ये 1518 में हुआ था, मियाँ माखन के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी की सेना लड़ती है। ठीक है, सांगा की इसमें जीत होती है। खतौली का युद्ध पूछा जाता है पेपर में, ये तो याद करना ही है, लेकिन जो बारी का जो युद्ध है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बारी का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था? ठीक है, अब देखिए बयाना के जो युद्ध है उसमें भी क्या हुआ, सांगा की जीत हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, सांगा की जो सेना है वो बहुत बुरी तरह जो मुगल सेना को पराजित करती है। ठीक है, तो मुगल सेना जो है बहुत भयभीत हो जाती है, जो सांगा की जो सेना है, सांगा की जो रणनीति है, हर तरफ उसका उनका भय छा जाता है, क्योंकि अब चारों तरफ मेवाड़ को एक मतलब एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति बन जाती है कि मेवाड़ क्या है, एक शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है हर चीज में, क्योंकि दिल्ली के दावेदार मैंने आपको बताया बाबर होगा या फिर राणा सांगा होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, ये होता है युद्ध 1526। ठीक है, 1527 में ये युद्ध 1527 में होता है, फरवरी में, उसके एक महीने बाद ही 1527 में खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत के आसपास ये जगह है। फरवरी में 1527 में बयाना का युद्ध होता है, मार्च 1527 में ये युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। देखिए खानवा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें सारी जो राजपूत जितने भी राज्य हैं मिलकर भाग लेते हैं। आप देख लीजिए इसमें कौन होते हैं, इसमें महाराणा सांगा तो है ही मेवाड़ की तरफ से, इसके बाद में मारवाड़ में गागा का पुत्र मालदेव है। ठीक है, इडर का सामंत है इसमें, बीकानेर का कल्याणमल है, सलूम्बर के सामंत हैं सारे, मतलब अधिकांश जितने भी राजपूत राज्य हैं वो सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध लड़ाई करते हैं।
तो क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर में कि ऐसा कौन सा युद्ध है कि राजपूत शक्ति एक संगठित शक्ति के रूप में लड़ी थी, तो कौन सा युद्ध आएगा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है कि जिसमें एक संगठन के रूप में जो राजपूत लोग थे, सारे राजपूत शासक थे, इस युद्ध में सांगा का साथ देते हैं, ठीक है। लेकिन अंततः क्या होता है इस युद्ध में? सांगा की क्या होती है? हार होती है। सांगा की इस युद्ध में हार हो जाती है, ठीक है। देखिए, इस युद्ध के हार के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो बाबर था उसके पास क्या था? अच्छा तोपखाना था, अच्छा तोपखाना था उसके पास, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि बयाना के युद्ध में जो मुगल सेना थी वो काफ़ी डरी हुई थी, ठीक है, कि हम तो युद्ध हार जाएंगे, इस तरीके की भावनाएं जो है मुगल सेना में बन रही थी, पनप रही थी। जो खानवा के युद्ध से पहले, खानवा के युद्ध से पहले जो बाबर है उसने अपनी सेना में एक नया जोश भरा था और एक जिहाद का नारा दिया था। देखो, जिहाद का मतलब होता है कि अगर इस युद्ध को वो मुगल सेना जीतती है तो ये एक तरह से इनके लिए ईश्वर को एक तरह से एक भेंट होगी, इस तरीके का नारा इसने दिया। और इसने बोला कि अगर हम ये युद्ध जीते हैं, हम इस युद्ध को जीतेंगे, मैं अब शराब पीना छोड़ दूंगा। शराब न पीने की प्रतिज्ञा भी बाबर ने इस युद्ध में ली थी, ठीक है। और जिहाद का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा, कौन से युद्ध में दी थी? जिहाद का नारा, जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? जिहाद मतलब धर्म युद्ध, कि धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि बयाना के युद्ध में जो मुगल सेना जो है वह काफी हताश हो गई थी, तो खानवा के युद्ध में एक नया जोश भर दिया था बाबर के द्वारा, जिहाद का एक नारा दिया था। और इसने, बाबर ने एक गाजी की उपाधि भी धारण की, गाजी। देखो, इस युद्ध को एक धर्म युद्ध से जोड़ दिया गया था, खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध से जोड़ दिया गया था, इसी कारण शायद ये युद्ध वो जीत पाए, ठीक है। अब देखिए, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या होती है? हार हो जाती है। इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा जो है मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित अवस्था में ही उनको बसवा में एक जगह है, वहां पर ले जाया जाता है। वहां पर जब थोड़े समय के बाद में राणा सांगा को होश आता है, तो वो देखते हैं कि मैं तो युद्ध क्षेत्र में था, तो वो लड़ाई के लिए तुरंत तत्पर होते हैं जैसे उनको होश आता है। सामंतों के द्वारा समझाने पर वो नहीं मानते हैं और रण क्षेत्र की तरफ दौड़ने को चलते हैं। सामंत सोचते हैं कि अगर बाबर से दोबारा युद्ध होता है तो मेवाड़ का सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, सामंतों द्वारा सांगा को विष दे दिया जाता है। अब फिर इनको कालपी में इनकी मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ में इनको इनका समाधि है। पूछा जाता है कहाँ पर मृत्यु होती है इनकी और समाधि कहाँ पर है इनकी? मांडलगढ़ में इनकी समाधि है और इनकी मृत्यु होती है कालपी में। कालपी एमपी में है जगह, ठीक है, एमपी के पास है। और मांडलगढ़ में स्मारक किसका है? महाराणा सांगा का स्मारक है। इस प्रकार एक महत्वाकांक्षी साहसी योद्धा की मृत्यु हो जाती है, जो जीवन पर्यंत अपने मतलब जीत हासिल करता है और मृत्यु तक भी उस जीत को पाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सामंतों द्वारा उसे विष दे दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मेवाड़ को देखो, सामंत लोगों ने इसलिए किया क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं होती, बाबर काफ़ी शक्तिशाली हो चुका होता है। अगर ऐसी स्थिति में जो सांगा है अगर युद्ध करते तो क्या होता? मेवाड़ का सचमुच सर्वनाश हो सकता था, ठीक है। इस प्रकार महाराणा सांगा का जो है अंत हो जाता है, ठीक है। महाराणा सांगा के बाद में जो हमारे नेक्स्ट शासक है वो देखिए, महाराणा सांगा के बाद, देखिए महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 में होती है। 28 से लेकर 31 तक रत्न सिंह, इनकी मृत्यु के बाद में तीन लगातार शासक बनते हैं, 28 से लेकर 29 तक रत्न सिंह। रत्न सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है, रतन सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है। इसी कारण जो रत्न सिंह के सौतेले भाई हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य
उन्हें मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया जाता है। 31 से लेकर 36 तक इनका शासन रहता है। ठीक है, इस प्रकार विक्रमादित्य के समय में एक घटना होती है, गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या किया जाता है, हमला किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। ठीक है, इस समय जो विक्रमादित्य है वो अपने चित्तौड़गढ़ की जो शासन सत्ता है उसको अपने सामंतों को देकर, विक्रमादित्य के द्वारा अपने सामंतों को देकर बूंदी की ओर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए विक्रमादित्य जब गुजरात के शासक का आक्रमण हो रहा है कि इसकी सूचना विक्रमादित्य को मिलती है कि बहादुर शाह आक्रमण कर रहा है, तो ये कहाँ चला जाता है, बूंदी की तरफ, अपने साम्राज्य अपने सामंतों को साम्राज्य का राज्यभार सौंप के। ठीक है, अब इसी समय जो विक्रमादित्य की जो माँ है उनका नाम है कर्मावती, जो विक्रमादित्य की संरक्षिका भी होती है अल्पावस्था में। ठीक है, इनके द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर सहायता के लिए कहा जाता है, किंतु सहायता आने में, हुमायूं की तरफ से सहायता आने में देरी हो जाती है और कर्मावती अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर करती है और इसे चित्तौड़ का दूसरा साका कहा। देखिए, पहला साका मैंने आपको बताया था, पहला साका रतन सिंह के समय में होता जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। ठीक है, तो इसको दूसरा साका कहा जाएगा। ठीक है, पहला साका तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था जब रतन सिंह के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ का दूसरा साका जो होगा वो कर्मावती के नेतृत्व में अन्य जो है महिलाएं जौहर करती हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसे ही बहादुर शाह को, देखिए जैसे ही बहादुर शाह को सूचना मिलती है कि हुमायूं मेवाड़ की तरफ आ रहा है, तो ये मेवाड़ से चला जाता है, मतलब चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसको बहादुर शाह छोड़ देता है। आक्रमण करने के बाद में चित्तौड़गढ़ को प्राप्त कर लेता है और आपको पता है कि कर्मावती ने जौहर कर लिया इसमें। ठीक है, चित्तौड़ का दूसरा छाका बोला जाता है इसको। इस तरीके से अब जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो खाली हो जाता है, बहादुर शाह यहाँ से चला जाता है और विक्रमादित्य पुनः यहाँ पर आके उपस्थित हो जाता है, पुनः अपनी राजगद्दी को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो विक्रमादित्य है जब उसको बहादुर शाह से लड़ना चाहिए था वो बूंदी की तरफ चला गया। ठीक है, देखिए बूंदी जो है इनका क्या बोला जाएगा, नाना का घर है, जो कर्मावती थी वो एक हांडी रानी थी, ये भी ध्यान रखिएगा, हांडी रानी थी। देखिए जो बूंदी के राजा है उनको हांडा कहा जाता है और जो रानी है उनको हांडी कहा जाएगा। ठीक है, तो कर्मावती हांडी रानी थी, देखो ये भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए विक्रमादित्य जो है वो जब बहादुर शाह से लड़ने की बजाय कहाँ चला जाता है, बूंदी की तरफ चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरह से विक्रमादित्य की शक्तिहीनता का पता हमें चलता है। विक्रमादित्य एक शक्तिहीन, मतलब एक कमजोर शासक के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए कि पृथ्वीराज का एक औरस पुत्र है बनवीर, जब विक्रमादित्य की शक्तिहीनता का पता, कि कमजोरी सामने दिखाई देती है क्योंकि बहादुर शाह से लड़ने के बजाय बूंदी चला जाता है, तो जब बनवीर को इस बात का पता चलता है शक्तिहीनता का, कमजोर जो शासक है विक्रमादित्य, तो क्या होता है, बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है और स्वयं को शासक, मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया जाता है। यहां पर विक्रमादित्य का एक अल्पवयस्क भाई भी है उदय सिंह,
को भी बनवीर मारना चाहता है। वो चाहता है कि मेवाड़ के जितने भी प्रभावी राजगद्दी के दो दावेदार हैं उनको मार दिया जाए। ठीक है, तो क्या होता है, बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता है, लेकिन आपने शायद पढ़ा भी होगा कि पन्ना धाय जो है वो उदय सिंह की धायवा थी। ठीक है, वो क्या करती है, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाती है, उदय सिंह को बचा लेती है और कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ चले जाती है। ठीक है, आशापुरा नामक एक जो किलेदार है कुंभलगढ़ के, वो उनको सहायता देते हैं और वहाँ पर ही कुंभलगढ़ के किले में ही पन्ना धाय उदय सिंह का लालन पालन करती है। अब यहाँ पर बनवीर जो है, पृथ्वीराज कौन है, ये मैंने आपको बताया था ना, रायमल के पुत्र थे, पृथ्वीराज थे, जयमल थे, आप याद कीजिए। ठीक है, तो पृथ्वीराज वो हैं और उनके औरस पुत्र है बनवीर। ठीक है, ध्यान रखना, और विक्रमादित्य की हत्या कर देते हैं और उदय सिंह को भी मारना चाहते हैं, लेकिन पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देती है और उदय सिंह को बचाया जाता है, उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में ले जाया जाता है और वहाँ उनका लालन पालन किया जाता है। अब समय बदलता है, मेवाड़ के जो सामंत हैं वो बनवीर के कार्यों से अप्रसन्न रहते हैं। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि उदय सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, तो सारे जितने भी शासक हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से कुंभलगढ़ दुर्ग चले जाते हैं बनवीर से अप्रसन्न होके। ठीक है, और उदय सिंह को क्या कर देते हैं, मेवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं। मेवाड़ के सामंतों द्वारा उदय सिंह को क्या कर दिया जाता है, शासक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार 1536 से लेकर 40 तक तो बनवीर का शासन रहता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट आएगा हमारा जो शासक है वो है उदय सिंह। हमारा जो नेक्स्ट शासक है उदय सिंह, यह है 1540 से 72। देखिए, आपको सन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, आपको तो ध्यान रखना है कि सन अगर आप याद रखोगे तो आप हिस्ट्री को भी ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, अब ज्यादा सन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, केवल युद्ध जो मुख्य युद्ध है वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उदय सिंह जो है शासक बनता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1540 के समय में शेरशाह सूरी है हुमायूं को पराजित करके, शेरशाह सूरी जो अफगान है वो शासक बनता है। यहां पर देखिए शेरशाह सूरी जो है मालदेव के साथ युद्ध होता है, मारवाड़ का जो पतन करने के बाद, मारवाड़ को प्राप्त करने के बाद में जो शेरशाह सूरी द्वारा मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उस पर आक्रमण किया जाता है। उदय सिंह के द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता और चित्तौड़गढ़ के जो चाबियां हैं, किले की जो चाबियां हैं वो शेरशाह सूरी को दे दी जाती हैं, जो कुंजियां हैं वो शेरशाह सूरी को दे दी जाती है। शेरशाह सूरी की मनोव्यवस्था को उदय सिंह भली भांति जानते थे कि बालदेव के साथ संघर्ष करने में उनको बहुत कठिनाई हुई थी, तो मेवाड़ के साथ वो समय व्यस्त ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसी कारण इन्होंने चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग हैं उसकी चाबियां शेरशाह को सौंप दी बिना किसी युद्ध के। लेकिन शेरशाह सूरी यहाँ से चले जाते हैं अपने किसी सामंत को, अधिकारी को यहाँ नियुक्त करके।
कुछ समय के बाद में उदय सिंह वापस आ जाते हैं यहाँ पर, वो सामंत को हटा देते हैं वहाँ से और शेषासुरी अपने अन्य कामों में व्यस्त रहता है। तो इसी प्रकार एक तरह से उदय सिंह की सूझबूझ थी कि बिना किसी युद्ध के उसने एक बहुत बड़ी मेवाड़ की जो क्षति होने से बचा ली। ठीक है, कुछ इतिहासकार इसकी निंदा भी करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये एक अच्छी सूझबूझ ही मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर उदय सिंह के द्वारा उदय सागर तालाब का निर्माण करवाया जाता है और यहाँ पर एक जगह गिरवा, गिरवा की पहाड़ियों में उदयपुर नगर की स्थापना की जाती है। देखिए उदयपुर नगर की स्थापना 1559 में की जाती है उदय सिंह के द्वारा। ये स्थापना गिरवा की पहाड़ियों में इसलिए की जाती है क्योंकि कोई भी अगर आक्रमण होता है तो इन पहाड़ियों में जो ये स्थान है सुरक्षित रह सके। एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से जो गिरवा की पहाड़ियों में उदयपुर जो नगर है उसकी स्थापना उदय सिंह के द्वारा की जाती है। यहीं पर उदय सागर तालाब भी बनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि उदय सिंह जो है अपनी सुरक्षा, अपनी प्रजा की सुरक्षा को लेकर काफ़ी क्या है, चिंतित हैं। तो अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए और अपना ऐसा स्थान वो बनाना चाहते हैं कि जहाँ प्रजा भी सुरक्षित रहे और स्वयं को भी सुरक्षित रखे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके। तो एक तरह से ये भी इनकी जो योजना थी वो एक अच्छी योजना थी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, उदय सिंह जो है उनके द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की जाती है। उदय सिंह के समय में शांति रहती है कुछ समय तक, लेकिन यहाँ पर हुमायूं पुनः आ जाता है। हुमायूं के बाद में अकबर जो है, अकबर शासक बनता है। ये हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में ऐसा होता है। अकबर जो है वो क्या बनता है, शासक बनता है। अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई जाती है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई जाती है। ठीक है, इस योजना का पता उदय सिंह को चल जाता है। अब क्या होता है, जो ये नई राजधानी बसाई थी उदय सिंह ने, वो यहाँ पे जाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, और अपना जो चित्तौड़गढ़ के किले की जो चाबियाँ हैं, जो कार्यभार है, जो राज्य सत्ता का भार है, वो जैमल को सौंप जाते हैं। जैमल को सौंप जाते हैं कि ये खुद गिरवा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर नगर बसाया है, इसी कारण ये नगर बसाया गया था कि अगर कुछ ऐसा कोई भी आक्रमण या विपत्ति जो चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ पर आती है तो इन पहाड़ियाँ ऐसी सकरी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, खाइयाँ हैं गहरी गहरी। तो इस तरीके से जो उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर क्या होता है, जो जैमल है, जैमल को जो है चित्तौड़गढ़ के किले का कार्यभार सौंप कर जो उदय सिंह है वो चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है तो जैमल के साथ में इनके एक और सेनापति है, जैमल और पत्ता। कुछ जगह पे पत्ता भी बोलते हैं, पत्ता भी बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पत्ता है, ठीक है, जैमल और पत्ता जो है, ठीक है, इनके द्वारा सेना का नेतृत्व किया जाता है और ये दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अकबर जो है इनकी जो है शूरवीरता से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है और ऐसा होता है कि ये आगरा में, आगरा का जो किला है, इनकी वीरता से प्रसन्न होकर अकबर के द्वारा आगरे के किले के द्वार पर जैमल और पत्ता की दो पाषाण मूर्तियां स्थापित कराई। तो पूछा जा सकता है कि अकबर द्वारा कहां पर किसकी, तो कहां पर करवाई गई है, आगरा के किले के द्वार पर। ठीक है, किसके द्वारा करवाई गई है, अकबर के द्वारा। और मूर्तियां किनकी है, पाषाण मूर्तियां किनकी है, जैमल और पत्ता की। कहां के हैं, किस युद्ध के हैं, तो ये जब चित्तौड़गढ़ में आक्रमण करते हैं, अकबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो जैमल और पत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर, ठीक है, आगरा के किले पर जो उनकी पाषाण मूर्तियां, किले में भी दरवाजे पर, द्वार पर, ठीक है, द्वार पर है ये।
इसके बाद में देखिए समय आगे बढ़ता है, उदय सिंह जो है, जो अकबर है, वो अपनी अन्य जो राजपूत शासक हैं उनको अपने अधीन करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1562 में जो है, जो आमेर के जो शासक है, आमेर के कछवाहा वंश जो है, उनके द्वारा अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है। जे हम बाद में पढ़ेंगे जब हम आमेर के शासकों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ जो है, जो मेवाड़ है, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जाती। अकबर की अधीनता मेवाड़ राज्य के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, ठीक है। तो इसी कारण वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। अब यहाँ पर देखिए उदय सिंह जो है 1572 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर एक ये भूल करते हैं, भट्टियानी रानी हैं उनके कहने पर उदय सिंह द्वारा जगमाल जो है, इनकी मृत्यु से पहले ही जगमाल जो है उदय सिंह के पुत्र हैं भट्टियानी रानी के पुत्र हैं, उनके कहने पर जगमाल को उदय सिंह द्वारा शासक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। किंतु इनके एक और पुत्र हैं महाराणा प्रताप, आप सब इनके नाम को जानते होंगे, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ की गद्दी के दावेदार थे, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को शासक घोषित न करके जगमाल को उदय सिंह शासक घोषित करते हैं, किसके कहने पर, भट्टियानी रानी के कहने पर, ठीक है। उनके दबाव में आकर ऐसा किया जाता है। किंतु जो उदय सिंह का जो ये निर्णय है उससे जो मेवाड़ के जो सामंत हैं वो अप्रसन्न हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि चूंडा के जो वंशज हैं, चूंडावत कहलाए, उनको सलूम्बर की जागीर दी गई, बताया था मैंने आपको पहली क्लास में, आप देखिए। तो उनको ही अधिकार था कि मेवाड़ का कोई राजा कौन बनेगा, मतलब मेवाड़ के में जो राजतलक किस राजा का होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सलूम्बर के कृष्णदास हैं, सलूम्बर के कृष्णदास और अन्य सामंतों द्वारा, देखो सलूम्बर के सामंत को ही है राजा चुनने का अधिकार, जो चूंडा के समय में दिया गया था, आपको याद है, जो चूंडा के वंशज होंगे, जो सलूम्बर की जागीर दी गई थी, सबसे बड़ी जागीर दी गई थी, उनको ही अधिकार होगा राजतिलक करने का, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, उसी अधिकार के कारण जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो ये उस समय कहां पर होते हैं, गोगुंदा में। तो पूछा जाता है कि महाराणा का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ, गोगुंदा में हो, ठीक है। तो इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में सलूम्बर के कृष्णदास और अन्य सामंतों के द्वारा कर दिया जाता है, क्योंकि उदय सिंह के जो का निर्णय था जगमाल को शासक घोषित करने का, उससे ये अप्रसन्न होते हैं, और उनको जो अधिकार मिला था उसी की एवज में ये महाराणा प्रताप को क्या करते हैं, जो शासक घोषित कर दिया जाता है। आइए हम पढ़ते आगे पढ़ेंगे हम महाराणा प्रताप के विषय में, जो नेक्स्ट जो राजा बनता है वो है महाराणा प्रताप। उदय सिंह के बाद में है महाराणा प्रताप। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि उदय सिंह के समय में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अकबर का आक्रमण हो गया, अकबर का अधिकार है वहां पर। तो यहाँ पर क्या हो गया है, हो रहा है कि जो महाराणा प्रताप है वो अपने आप को मतलब किस तरह से सुरक्षित रखे। तो क्या होता है, एक बात और घटना होती है कि जगमाल जो है ना, जगमाल जब महाराणा प्रताप को शासक घोषित कर दिया जाता है सामंतों के द्वारा, तो जगमाल जो है अकबर के पास चला जाता है, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में जगमाल चला जाता है और वो उससे सहायता मांगता है कि ऐसा ऐसा हुआ कि मुझे राज्य से हटा दिया गया, सिंहासन से हटा दिया गया और महाराणा प्रताप को बना दिया गया। तो अकबर क्या करते हैं, जहाजपुर मतलब कुछ जागीर जो है उनको दे देते हैं और अपने साथ मिला लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अकबर
के द्वारा अब जो चित्तौड़गढ़ मतलब पूरे मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था अकबर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ पर तो अधिकार हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, महाराणा प्रताप के पास जब ऐसी स्थिति आती है तो शिष्टमंडल को भेजा जाता है, यह पूछा बोला जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाए। तो चार लोग हैं, जो पहले पहली बार आता है वह जलाल खान, पहला शिष्टमंडल है जलाल खान, दूसरा है भगवान दास, सॉरी ये भगवान दास नहीं है, मान सिंह है, दूसरा है मान सिंह, तीसरा है भगवान दास और चौथा है टोडरमल। ये चार जो शिष्टमंडल हैं ये अकबर की तरफ से भेजे जाते हैं महाराणा प्रताप के लिए कि अकबर महाराणा प्रताप है जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। इसमें भी महाराणा प्रताप मना कर देते हैं, पहले जो शिष्टमंडल भेजा था दूसरे में भी मना कर देते हैं, तीसरे में भी, चौथे में, इन चारों शिष्टमंडल जो अकबर के जो संदेश आते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, स्वीकार कर दिया जाता है महाराणा प्रताप के द्वारा। महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी आदमी थे और साहसी आदमी थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने युद्ध का नाम सुना होगा, हल्दी घाटी का युद्ध, चार शिष्टमंडल भेजने पर जब महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन जाती है, जो परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध होता है। देखिए ये युद्ध होता है 18 जून 1576। देखिए एक गोपीनाथ शर्मा है वो बताते हैं 21 जून 1576, तो ध्यान रखना है कि गोपीनाथ शर्मा जो हैं वो 21 जून बताते हैं और अन्य इतिहासकार द्वारा, ज़्यादातर जितने भी इतिहासकार हैं वो 18 जून बोलते हैं, तो ध्यान रखना है 21 जून अगर आ जाए तो वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है, ठीक है। अब जब अकबर जो है अकबर के अधीनता महाराणा प्रताप स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होता है, 3 अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में, मानसिंह के नेतृत्व में क्या होता है, मानसिंह और आसिफ खां भी होता है इसके साथ साथ, आसिफ खां भी है, चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए, मतलब मेवाड़ महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए ये 3 अप्रैल को वहाँ से रवाना होते हैं, अजमेर से रवाना होते हैं, मांडलगढ़ पहुँचते हैं और 18 जून और 1576 को या 21 जून मान लें गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ये दोनों सेनाएं, महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सेना मानसिंह के नेतृत्व में आमने सामने होती हैं। तो हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, हम मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, धन्यवाद।